अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वक्त हम लेबर कोर्ट सदर में मौजूद हैं और नेशनल रिफाइनरी से फारिग किए गए वर्कर जो अपने केस हियरिंग के हवाले से यहाँ मौजूद थे हैं और वो अपना मुद्दा जो है आपके सामने रखेंगे। जी फारूक भाई, इस वक्त क्या कहना चाहेंगे आप? कोर्ट में आपका केस चल रहा है और 2016 से अब तक जो है 150 अफराद को निकाला गया है। जी हाँ, मुझे जो है 2018 में 18 सितंबर को जो है मुझे निकाला गया और कोई वजूहत नहीं थी, मैं ड्यूटी पे मौजूद था। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे मुताबिक किसी किस्म की कोई भी ऐसी वो नहीं है कि मेरी अप्रेजल बिलो हो। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अबव एवरेज हमेशा कहीं है अप्रेजल है और मेरा रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा था और मेरे तमाम साथियों के साथ भी यही है। और हमारे लेटर जो हमें इन्होंने दिए हैं उस पर भी लिखा है कि आप बहुत अच्छे हैं मगर कल से आपकी ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब ने मॉडल कोड बनाए हैं और जिसमें कत्ल के फैसले जो है 3 महीने के अंदर हो रहे हैं, इसी तरीके से मैं चीफ जस्टिस साहब से अपील करता हूं कि इस किस्म के कोड बनाएं जो लेबर कोड के फैसले भी 3 महीने के अंदर कर लें। इसलिए कि कत्ल जो है एक आदमी मर गया और ख़त्म हो गया, एक आदमी कत्ल हुआ और ज़िंदा है और अपने बच्चों के सामने ज़िंदा है और अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पा रहा और ज़िंदा लाश की हैसियत से बैठा हुआ है, उसको तो वो तो पूरे ख़ानदान का कत्ल है। इस वक्त आप एमडी रिफाइनरी से क्या तवक्कात रखते हैं? वो हम एमडी रिफाइनरी से कोई तवक्कात नहीं रखते, इसलिए करप्ट तरीन आदमी है वो नेशनल रिफाइनरी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसके मुनाफे को अटक ग्रुप में शो करा जा रहा है और उससे करप्शन की जा रही है। इदारे को लॉस में शो किया जा रहा है जो कि उसके जो इंक्रीज हो जो अपने असासे बना रहा है और मुल्क पाकिस्तान को जहां चीफ जस्टिस साहब और हमारे वजीर आजम साहब जो है मुल्क को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये इदारे जो है करप्शन से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ माल बना रहे हैं जिसमें नैब को मतलूब जो है, शुएब मलिक भी नैब को मतलूब है और इनके जो और हमारी जो है नैब को मतलूब है। तो हम तो नैब से अपील करते हैं कि इनके तमाम के तमाम लोगों की इंक्वायरी करें, इनके असासे चेक कर जाएँ, इन्होंने कितना माल बनाया है। रिफाइनरी को मुसलसल नुकसान में शो करा जा रहा है जो कि कभी रिफाइनरी गवर्नमेंट में होते हुए कभी नुकसान में नहीं गई, हमेशा फ़ायदा करके गई है। जी बहुत, इस साल जो है तकरीबन अरबों रुपये का जो है लॉस शो किया है जबकि रिफाइनरी को जो है फ़ायदा हुआ है।